हेलो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन इस ब्लॉग और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लाई हूँ एक नई वीडियो, तो ये मेरी गैस क्लीनिंग की वीडियो है, गैस स्टोव की वीडियो। तो मैंने कहा चलो आज मैं गैस साफ़ कर रही थी किचन में, तो मैंने कहा चलो मैं बना ही लेती वीडियो। तो यहाँ पे मेरी गैस थोड़ी गंदी हो चुकी थी और इसके जो ब्लैक ब्लैक जम गया था, कार्बन जो जमता है ये बर्नर के आगे पीछे, जो बीच में बर्नर होता है उसके साइड में, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे काफ़ी दिन से। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ और शेयर करती हूँ। तो गाइज मैंने लिया है थोड़ा सोडा, थोड़ा नींबू, एक नींबू और विम बार, और ये स्क्रब है, इससे मैं इसे क्लीन कर रही हूँ और मैं सब जगह इसको अप्लाई करके क्लीन कर दूँगी। और जो गैस में जो तेल का जितना होता है सब लगा होता है, तो नींबू डालने से या सोडा डालने से एकदम क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इसको स्क्रब कर रही हूँ मैं खूब सारा, ताकि जो ब्लैक जमा हुआ है ना, मेन मेरा वही था, तो मैंने कहा कि इसे आज निकालना ही है, देखते हैं। तो फिर मैंने अच्छी तरह से ऐसे कर लिया नींबू भी डाल के, तो एकदम क्लीन हो गया था, लग ही रहा होगा आपको, देखो कितना ये क्लीन हो चुका है पहले से और चमक रहा है, जो इसका स्टील है ना कितना शाइनिंग मार रहा है। तो हम जब गैस साफ़ करते हैं ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इसके जो बर्नर है ना उसके अंदर कचरा या पानी नहीं जाना चाहिए। तो बस मैंने कहा कि इसको पहले मैं कर लेती हूँ, बाद में दूसरा करती हूँ। तो गाइज़ ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, इसको निकालने के लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ी थी मेरे को, क्योंकि काफ़ी टाइम से जमा हुआ था ये। और गैस तो हम यूज़ साफ़ कर लेते हैं, पर जो मेन होता है ना, जो मेन जो होता है वो साफ़ करने का टाइम नहीं होता। तो आज मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मेरा ठीक हो चुका है, ये क्लीन हो रहा है देखो। तो नींबू से तो और भी जल्दी हो रहा था, तो मैंने कहा चलो नींबू रगड़ रगड़ के करती हूँ। तो हमारा जो जीवन शैली है ना, वो किचन से स्टार्ट होती है। हमारा मेन पार्ट जो है किचन ही होता है, चाहे आप तल लो, चाहे बना लो, चाहे आप बैंगन का भरता बनाओ, कुछ भी बनाओ, हम जो भी चीज़ बनाते हैं गैस ख़राब हो ही जाता है, दूध गर्म करो, लेकिन फिर उसे क्लीन भी करना पड़ता है। तो बस इस तरह से कीजिए और बहुत पैसा भी खर्च नहीं होगा, बहुत कम पैसे में ये साफ भी हो जाएगा एकदम। जब मैंने इसके बर्नर भी निकाल दिए हैं, तो मैंने भी इसमें सोडा डाल दिया है, सोडे से मैं इसे स्क्रब कर रही हूँ अच्छी तरह से, अंदर बाहर अंदर बाहर। तो जो इसके होल्स होते हैं ना, बंद हो जाते हैं, तो ये भी खुल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गैस में एकदम जो आँच होती है ना, एकदम धीमी हो जाती है। तो मैं रोज़ तो मैं नहीं बोलूँगी कि रोज़ करो, क्योंकि रोज़ तो मुझे भी टाइम नहीं होता ये सब करने का। महीने में, दो महीने में एक बार तो बर्नर वगैरह साफ़ कर देनी चाहिए अपने आप अपने घर पर, और इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं मतलब। तो यहाँ पर मेरा अच्छी तरह से देखिए कितना अच्छी तरह से ये बर्नर मेरे साफ़ हो रहे हैं। मैंने ना इसमें पानी में रखा, ना मैंने कुछ रखा, बस थोड़ा सा सोडा लिया और स्क्रब लिया। विम बार तो मेरे पास था ही, तो मैं उसी से कर रही हूँ। हाँ थोड़ी सी मेहनत लगती है, और ये देखो कितना अच्छा मेरा शाइनिंग मार रहा है ना दोस्तों, दिख रहा होगा आपको। और जो इसके जो हॉल होते हैं ना, वो भी एकदम खुल चुके थे, कुछ कुछ बंद होते हैं हमें पता नहीं चलता, पर धीमी आँच हो जाती है तब पता चलता है। अभी देखो कितना मतलब शाइनिंग भी मार रहा है, ये एकदम क्लीन हो चुका है और इसके हॉल्स एकदम दिख रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये बहुत काम की होती हैं। फिर यहाँ जो बटन होते हैं ना, ये भी काफ़ी चिकने चिकने हो जाते हैं, तेल से आटे से कुछ भी लग जाता है, तो इसको भी इस तरह से स्क्रब कर देना चाहिए नींबू वींबू सोडा डाल के, जैसे हम कर रहे थे। मैंने जो उसमें अप्लाई किया ना, उसी से मैंने नीचे भी कर दिया है कुछ, तो क्लीन काफ़ी हद तक हो चुका है, क्योंकि बहुत गंदा होता है, अपने घर पे गेस्ट भी आ जाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे जितना हो सका मैंने किया, तो आप ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, मैंने तो स्क्रब से किया, ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रश से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो मैंने तो हाथ से किया है स्क्रब से, उसके बाद मैंने ब्रश यूज़ किया है। तो इसमें भी मैंने जो इसके कंगन होते हैं ना स्टैंड, तो इसको भी मैंने इसी से रब किया है। ये भी गंदे हो जाते हैं, इनको भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि यही मेन होते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और लाइक बटन पहले दबा दीजिएगा प्लीज़, और क्योंकि हम वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम भी पहले लाइक ही करते हैं वीडियो को किसी के, मैं तो किसी का भी देखती हूँ तो कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है, जहाँ पर नहीं जा रहा था मैंने ब्रश की हेल्प से भी कराई है। ये टूथब्रश होते हैं जो अनयूज़ होते हैं हमारे घर पर, तो बहुत सारे पड़े हैं, तो फिर मैंने इसको स्टोव को मैंने कपड़े से वाइप से मैंने इसको वाइप कर दिया है। ये अच्छी तरह से वाइप होता है ना, ये पानी को सोख लेता है,
इसमें पानी रहता नहीं है और साबुन वगैरह सब सोख लेता है। यहाँ देखो कितना अच्छा मैंने इसे पोछ भी लिया है और देखो कितना अच्छा मेरा चमक रहा है ना, पूरा ब्लैकनेस इसका चला गया है और स्टील और कांच ग्लास तो बहुत चमक रहा है, बहुत शाइनिंग मार रहा है ना। थोड़ी सी मेहनत करो रंग लाती है। तो बस यही था मेरा। और फिर मैंने ऐसे सूखे कपड़े से भी पोछ दिया क्योंकि एक बार गीले से पोछो तो सूखे से पोछना ही चाहिए। मेरा तो यही है कि मैं हर रोज़ भी करती हूँ तो मैं सूखे कपड़े से भी पोछ लेती हूँ। तो इसके जो स्टैंड थे भी मैंने अच्छी तरह से पोछ लिए हैं और जो इसके जो बटन थे सब मैंने साफ़ कर दिए हैं। अभी दिखाऊँगी मैं कि कितना शाइनिंग मार रहा है मेरा गैस स्टोव, बहुत अच्छा चमक रहा था क्योंकि आज मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ। बस इसमें सोडा ही चाहिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो होता है घर पे। और देखो कितना अच्छा शाइनिंग मार रहा है ना। इन तीन चीज़ों से मैंने एकदम गैस स्टोव मेरा क्लीन कर दिया है। गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और आप भी अपने घर पे इस तरह से कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि अपना मेन पार्ट किचन होता है तो किचन अगर साफ़ सुथरा रहें तो अपने को भी अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, गेस्ट आते तब भी अच्छा लगता है, गंदा होता तो अपने को शर्म आती है। तो क्यों ना हम थोड़ी मेहनत से अपना घर चमका सकते हैं, अपना किचन साफ़ कर सकते हैं, अपना गेस्ट स्टोव साफ़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है बस, तो इसी में अपने को अच्छा भी लगता है। कोई आता है हमारा किचन देखता है तो भाई तुम्हारा गैस कैसे साफ़ है, इतना चमक कैसे रहता है, अपने को बहुत खुशी मिलती है। तो गाइस इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कैसी वीडियो पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।